नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं, क्या ये सच है व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर क्या ये बैन हो गए या फिर बैन हो सकते हैं, क्या क्या है इसकी पूरी सच्चाई, आज हम इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल करें। तो जैसा कि आप लोगों को सुनने के लिए बहुत ही अंदर से बेचैनी होगी, क्या सच में इंस्टाग्राम बैन हो जाएगा, क्या हम रील्स नहीं बना पाएंगे, क्या सच में ट्विटर बैन हो जाएगा, क्या हम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट नहीं पढ़ पाएंगे, सॉरी जो दिल्ली के सीएम है, क्या हमें पता नहीं चलेगा कि लॉकडाउन कब है, कब खत्म हो गया। गाइस देखो, सीधे टॉपिक पे आते हैं। कुछ ऐसा होता था इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ट्विटर्स पे, ट्विटर का तो पता नहीं लेकिन इंस्टाग्राम फेसबुक पे कुछ पोस्ट होती थी जो कौन शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, बहुत बेकार बेकार पोस्ट होती थी, कौन किसे क्या कमेंट कर रहा है। इन सब के लिए ना जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने ऐसा बोला है कि मतलब एक बंदा बिठाया जाए एक तरह से, मैं आपको अपने शब्दों में समझा रहा हूँ, और अगर कोई कंप्लेन करता है कि इसने मेरी फेक आईडी बना ली या भाई ये ऐसा कर रहा है या फिर ये गलत चीजें पोस्ट कर रहा है या वैसा कर रहा है, तो इन सब पे निगरानी रखेगा। मतलब कौन इलीगल चीज फैला रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन सब के ऊपर एक जैसे सीसीटीवी कैमरा निगरानी होता है ना, एक तरह से इसके ऊपर पूरा फोकस पड़ेगा कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। अगर आप कुछ इलीगल करते हैं या फिर आप कुछ समझ जाओ कुछ भी करते हो, किसी को पोस्ट में या किसी को धमकी देते हो, कुछ भी करते हो जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, ठीक है, एक कम्युनिटी गाइडलाइंस भी बनेगी इसकी, आई थिंक पहले से बनी पड़ी है, जो भी है तो इसके खिलाफ जो है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और उसके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाएगी। तो आज जो 25 मई है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आज की लास्ट डेट दी थी, लेकिन ऐसा नहीं है जो इंस्टाग्राम है फेसबुक है तो इन जो कंपनियां है ना, इनके जो मालिक है जो वर्कर्स है वो आपको क्या लगता है चाय पी रहे होंगे बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने पहले से सोच लिया अगर ऐसा होगा या हम कुछ टाइम और ज्यादा मांगेंगे या फिर कुछ भी हो। हाँ, अब बात आती है बैन की, तो हाँ भारत सरकार के पास ये बात है, अगर वो चाहे उसके पास ये पावर है कि वो तीनों चीज को बैन कर सकता है, लेकिन जो कू है उसने ये सब चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है और जो इंस्टाग्राम फेसबुक है इनका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, और जैसे रिप्लाई आएगा अगर बैन होंगे तो मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।